और फिक्र में आज सबसे पहले बांग्लादेश की बात करेंगे। वहां नवरात्र पर मां दुर्गा की पूजा करने वाले अल्पसंख्यक हिंदुओं का दर्द दिखाएंगे। आज नवमी है। इस विशेष दिवस पर भारत में हमारे कई दर्शकों ने अपने घरों में मां दुर्गा की पूजा की होगी या फिर पूजा पंडालों में जाकर उनकी आराधना की होगी, सुख समृद्धि के लिए आशीर्वाद मांगा होगा। आपने इस खास दिन को अपनी धार्मिक आस्था के साथ बिना किसी अशांति के बिताया होगा। लेकिन बांग्लादेश में आज के दिन देवी के भक्तों को कैसे टारगेट किया जा रहा है, उनकी आस्था का कैसे अपमान हो रहा है, जब ये बात आपको पता चलेगी तो आपको बहुत दुख होगा। हम एक एक करके वहां की ये सभी अप्रिय घटनाएं आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन शुरुआत एक ऐसे पाप से जिसके बारे में जानकर मोदी सरकार भी चिंतित हो उठी। ढाका से 325 किलोमीटर दूर और कोलकाता से सिर्फ 145 किलोमीटर दूर बांग्लादेश में एक जिला पड़ता है, सतखीरा। यहां के श्याम नगर इलाके में देवी काली का प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध जेशोरेश्वरी मंदिर है। क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर में कल ही दिन के उजाले में क्या अपराध हुआ है? यहां देवी काली का एक विशेष मुकुट चोरी हो गया है। ये मुकुट स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने देवी को 3 वर्ष पहले पहनाया था। आपको यह सीसीटीवी वीडियो देखना चाहिए। सफेद टी शर्ट और जीन्स पहने ये चोर मंदिर में पीछे के दरवाजे से घुसता है और मंदिर में स्थापित मां काली की प्रतिमा से मुकुट निकालकर वहां से बड़ी आसानी से फरार हो गया। ये दोपहर 2 बजे की बात है, यानी दिन दहाड़े। उस समय मंदिर में पूजा हो चुकी थी, पुजारी यहां से जा चुके थे, मंदिर की साफ सफाई हो चुकी थी, मंदिर के अंदर उस समय कोई भी नहीं था। हम आगे बढ़े और इस मंदिर के धार्मिक महत्व को विस्तार से बताएं। उससे पहले आपको यहीं का 27 मार्च 2021 का एक और वीडियो दिखाते हैं। उस समय पूरी दुनिया कोविड संकट का सामना कर रही थी। प्रधानमंत्री मोदी तब बांग्लादेश के दौरे पर थे। वो मास्क लगाकर जेशोरेश्वरी मंदिर गए थे, वहां देवी काली की पूजा की थी और प्रधानमंत्री जी ने ही इस मुकुट को तब अपने हाथों से मां काली के सिर पर सजाया था। यह मुकुट चांदी का बना हुआ, इस पर सोने की परत चढ़ी हुई है, लेकिन अब यह मुकुट वहां पर नहीं है, वो चोर के हाथ लग चुका है। और बांग्लादेश की हैरान करने वाली घटना अब दुनिया भर में ट्रेंड कर रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यह मंदिर हिंदू धर्म के 51 शक्तिपीठों में से एक है। यह वो स्थान है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहीं पर देवी सती की हथेलियां और पैरों के तलवे गिरे थे। यहां देवी सती जेशोरेश्वरी के रूप में निवास करती हैं और भगवान शिव चंडा के रूप में प्रकट होते हैं। इस मंदिर का निर्माण अनारी नाम के एक ब्राह्मण ने 12वीं शताब्दी में कराया था। उन्होंने जेशोरेश्वरी पीठ के लिए 100 दरवाजों वाला मंदिर बनवाया था। बाद में 13वीं शताब्दी में लक्ष्मण सेन ने इसका जीर्णोद्धार कराया और अंत में राजा प्रतापादित्य ने 16वीं शताब्दी में मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। इस घटना से यूनुस सरकार पर हिंदुओं की आस्था को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। वो तो पहले भी उठ रहे थे। यूनुस सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि वो हिंदुओं की और उनके मंदिरों की सुरक्षा कर पाने में नाकाम साबित हुई है। आगे जो हम और उदाहरण देने वाले हैं, यकीन मानिए आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे। देखिएगा जरा, यूनुस सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदू अपनी आस्था के साथ आजादी से जी तक नहीं पा रहे हैं। ऊपर से देवी काली का मुकुट चोरी होना यूनुस सरकार में एक और ब्लैक चैप्टर की तरह है, जिसके बारे में अब खबरें हैं कि खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इस मामले का संज्ञान लिया है। उन्होंने मंदिर में भेंट किए गए मुकुट चोरी का यह सीसीटीवी वीडियो देखा है। सूत्रों के अनुसार वो इस घटना से बेहद आहत है और बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग की ओर से इस पर बयान जारी करके कड़ी आपत्ति जताई गई है। भारत ने बकायदा बयान जारी करके बांग्लादेश सरकार को क्या नसीहत दी है, आप भी सुनिए। भारतीय उच्चायोग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट जारी करके कहा है, 2021 में बांग्लादेश की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जेशोरेश्वरी काली मंदिर को उपहार में दिए गए मुकुट की चोरी की खबरें देखी।
ये गहरी चिंता का विषय है। बांग्लादेश सरकार चोरी की जांच करे, मुकुट बरामद करे और अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। अब बांग्लादेश की यूनुस सरकार इस घटना पर क्या एक्शन लेगी, कितनी जल्दी कार्रवाई करेगी, इस पर पिछले दो महीने का हाल और वर्तमान की दो बड़ी घटनाओं को देखकर थोड़ा नहीं बहुत संदेह हो रहा है। और न जाने क्यों मन में यही ख्याल आ रहा है कि जब हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की छूट ही वहां के कट्टरपंथियों को सीधे हुक्मरानों से मिली हुई है तो फिर भला उन पर एक्शन कौन लेगा। क्योंकि अब 9 अक्टूबर का ये एक और वीडियो भी देखिए। दावे के मुताबिक रात करीब 2 बजे कुछ कट्टरपंथी लोगों ने चटगांव जिले के रोजान दाबुआ में दुर्गा मंदिर में हमला कर दिया। हमलावरों ने दुर्गा प्रतिमा को तोड़ने की कोशिश की, वहां लूटपाट की, लोगों के साथ उनकी झड़प भी हुई, लेकिन स्थानीय लोगों ने उनमें से कुछ लोगों को मौके पर ही पकड़ लिया। लोगों ने उनसे पूछताछ की। दुर्गा मंदिर पर किए गए हमले के बारे में लोग इस हमलावर से जानकारी हासिल करना चाहते थे, लेकिन पूरे समय हमलावर आरोपी खुद को बेगुनाह ही बताता रहा। हिंदू मंदिर में हमले का यह आरोपी शख्स तो संयोग से पकड़ लिया गया, लेकिन ज्यादातर मामलों में हमलावर हिंदू स्थलों और मंदिरों पर लूटपाट और हमले करके भाग जा रहे हैं। कभी उन्हें पकड़ा नहीं जाता या फिर मामले को गंभीरता से नहीं लिया जाता है। अब आपको एक दूसरा वीडियो दिखाते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो के बारे में दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो बांग्लादेश के रंगपुर जिले का है। दावे के अनुसार रंगपुर जिले के पुट्टी मारी गांव में कुछ कट्टरपंथी लोगों ने वहां पूजा पंडाल में घुसकर हमला किया, देवी दुर्गा की मूर्ति को तोड़ दिया। हिंदू समुदाय के लोगों ने इनमें से कुछ आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। यानी दोनों ही जगहों पर हमलावरों के खिलाफ एक्शन स्थानीय हिंदू लोगों ने लिया और पुलिस को तो इसकी भनक तक नहीं थी, या यूं कहें कि वो जान पूछकर नींद से जागना नहीं चाहती थी। ऐसे आरोप क्यों लग रहे हैं, तो इसका भी वीडियो सबूत हमारे पास है। ध्यान से देखिएगा अगली खबर। आप नवरात्र पर बांग्लादेश के चटगांव का एक और वायरल वीडियो देखिए। दुर्गा पूजा के दौरान बांग्लादेश के कई इलाकों में कट्टरपंथी लोगों ने धार्मिक स्थल के अंदर घुसकर हिंदुओं को जबरदस्ती इस्लामिक पाठ करने को कहा, वहां पर माता के भजन को बंद करवा दिया, उसकी जगह पूजा पंडाल में घंटों तक इस्लामिक गाने और गजलें बजाई गईं। बांग्लादेश के चटगांव में ऐसी शिकायतों पर केस भी दर्ज किया गया है, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि कुछ जेहादियों ने जबरदस्ती पूजा मंडप पर इस्लामिक गाने बजाने को कहा। जमाते इस्लामी कट्टरपंथी संगठन के सैकड़ों लोग चटगांव के जेम दुर्गा पूजा पंडाल में घुस गए, माता के भजन को भी बंद करवा दिया और फिर वहां इस्लामिक गजलें बजाई जाने लगी। पुलिस ने ऐसे आरोपों के बाद गुरुवार रात 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। एक का नाम है शाहिदुल करीम और दूसरे का नाम है नूरुल इस्लाम। लेकिन आरोप यह भी है, इसके बाद वहीं पर जमात ने मुस्लिमों के साथ मिलकर एक सभा का आयोजन किया, वहां के स्थानीय हिंदुओं को जबरन आयतें पढ़ने के लिए मजबूर किया। इस घटना से जुड़ी तस्वीरें और वीडियो भी वायरल है। पूरी दुनिया सोशल मीडिया पर यह कट्टरता देख भी रही है और सुन भी रही है, लेकिन कथित शांति दूत नोबेल प्राइज विनर मोहम्मद यूनिस को इन सब बातों की फिक्र नहीं है। अल्पसंख्यक हिंदुओं की आस्था को बार बार चोट पहुंचती है तो भी मोहम्मद यूनुस को शायद फर्क नहीं पड़ता, उन्हें बस फर्क इस बात से पड़ता है कि पाकिस्तान किन बातों से खुश हो रहा है और हिंदुओं पर हमले कराने वाले कट्टरपंथी संगठन जमात इस्लामी को किस बात से खुशी मिल रही है। सोचिए जरा, यह चिंता का विषय है, लेकिन चिंता सिर्फ हमें, उन्हें नहीं है।